दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए आईसीएससी मैथ का एक और नया टॉपिक लेकर के, जो कि है सर्कल। सर्कल बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं इसको और अच्छे से आप लोगों के लिए और ज्यादा इजी बनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बस खाली इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो जो टर्म्स यूज होने वाले हैं सर्कल में उसमें से आधे से ज्यादा टर्म तो आपको पता होंगे, और जो नहीं पता है उसको आप इस वीडियो में आज आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो ये आपका जो टॉपिक है बहुत ज्यादा रिलेटेबल है रियल लाइफ से। आप लोगों ने सबने रोटी खाई होगी, पिज्जा खाया होगा, सारे एग्जाम्पल्स आएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सर्कल पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो पहले क्या है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ सर्कल। बचपन से पढ़ा है एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है। इसमें बताने जैसे क्या है, जो पैर सर्कल के अंदर है वो इंटीरियर, जो है बाहर है वो एक्सटीरियर, और जो सर्कल के ऊपर है उसको बोलते हैं ऑन द सर्कल। ठीक है, तीन चीजें हैं। ऑल दिस पॉइंट जिनका डिस्टेंस क्या हो, रेडियस से कम हो, वो हो जाएंगे इंटीरियर। जैसे रेडियस क्या होता है, सेंटर को सर्कमफ्रेंस से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और रेडियस से जो कम डिस्टेंस है, जैसे इसकी डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो रेडियस से कम होगी। ठीक है, रेडियस से कम डिस्टेंस पे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर। ये भी रेडियस से कम है तो इंटीरियर जाएगा। क्यू एंड आर क्या हो गया आपका, इंटीरियर पॉइंट हो गए क्यू एंड आर। और उसके बाद देखिए आप एक्सटीरियर क्या हो गया, जिनकी रेडियस से ज्यादा हो, ये लेंथ क्या हो रही है, रेडियस से ज्यादा हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। एंड आपका देखो ऑन द सर्कल देखो तो आपका ये भी इसके ऊपर आ रहा है रेडियस के बराबर, जो साइज आ रही है उसको क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। तीन चीजें होगी, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द सर्कल। काफी सिंपल चीजें थी, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन आपका, अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बहुत ज्यादा डाउट आ जाएगा इसमें भी, बट इसमें कुछ है नहीं डाउट लाइक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड होता है कि कोई भी दो पॉइंट ले लो सर्कल पे। ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो लाइन है इस पे कोई भी दो पार्ट ले लो, दो पॉइंट्स ले लो और उन दो पॉइंट्स को मिला दो। जो उन दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल के अंदर दो, सर्कल के ऊपर, ठीक है, ऑन द सर्कल दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को ही कॉर्ड बोलते हैं। अब देखिए ऐसे दो पॉइंट्स बनाओ सर्कल पे और उसको मिलाने वाली लाइन अगर सेंटर से होकर के जा रही है तो उसको भी, उसे भी क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और डायमीटर ही क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स बनाओ, दोनों पॉइंट्स को मिला दो, उसी को कॉर्ड बोलेंगे। जैसे मैंने आपका यहाँ फिगर में बना हुआ है तो आपने यहाँ सर ये तो फिगर है, फिगर को छोड़ो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाया ए, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया बी, अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये सब चीजें अभी यूज होने वाली है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को मिला दो तो वही हो जाएगा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आगे यूज होंगे और आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए आगे उस टाइम पे। ठीक है, अब क्या है, सेंट ऑफ ए सर्कल। सेंट क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो सर्कल को काट के आर पार हो जाए, जैसे ये है सर्कल कॉर्ड आर पार चली गई। ठीक है, या कॉर्ड आपकी है, कॉर्ड को ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो, जैसे ये कॉर्ड थी, यहाँ कॉर्ड थी, ये मैंने कॉर्ड बनाई थी, ये कॉर्ड थी, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो, सर्कल को पार कर जाए, कॉर्ड सर्कल को पार कर जाए तो क्या हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये क्या होता है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंजेंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंट है ये चीज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, सेंट ऑफ सर्कल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को पढ़ाया गया तो पढ़ लो थोड़ा सा। अब टेंजेंट ऑफ सर्कल आता है, टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, एक सर्कल है उससे गुजरती हुई एक लाइन जाए लेकिन बस खाली कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट क्या हो, उसको बस छूती हुई चली जाए, जैसे मेरा हाथ एक दूसरे को फिंगर छूती हुई चली जाए, बस खाली टच करते हुए चली जाए, तो ऐसे लाइन, ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऐसे लाइन को बोलेंगे टेंजेंट, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ऐसी लाइन जो सर्कल को छूते हुए निकल जाए, सर्कल है सर्कल को छूते हुए निकल जाए, बस खाली एक ही पॉइंट पे छुए, ज्यादा टच भी ना करे, एक ही पॉइंट पे बस खाली छुए, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्कल, और उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे दोनों का कॉन्टेक्ट हुआ है उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आई गेस आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब टचिंग सर्कल, टचिंग सर्कल क्या होते हैं, दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उसको टचिंग सर्कल बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए, अब दो टाइप से टच कर सकते हैं एक दूसरे को, एक तो इस तरह से बाहर से दोनों एक दूसरे को टच करें, और एक एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल है उसको टच कर रहा है, दूसरे को क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे एक इंटरनली और एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच करेंगे बाहर से एक दूसरे को और एक इंटरनली टच करेंगे। ठीक है, और कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे दोनों का कॉन्टेक्ट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। जैसे टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहां किससे बोलते थे, जहां पे टचिंग होती थी उसी को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये चीजें दे रखी है, ए बी क्या है, दोनों के सेंटर्स हैं, सेंटर के बीच में ये डिस्टेंस दे रखी है ए से बी तक की,
यहाँ पे भी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ए भी है सेंटर से डिस्टेंस दोनों का, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी है। बच्चे आज फिर बाहर चिल्ला रहे हैं, मेरे वीडियो बनाने में तो ये फिक्स है, बच्चे का किसी का रोना और बच्चे का चिल्लाना और गाड़ी का जाना, इट्स कॉमन इन माई वीडियो, ठीक है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक, किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो मैं आपको बाहर का दिखाऊंगा माहौल कैसा है स्टूडियो के। अब आगे बढ़ते हैं, आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल बहुत ही ज्यादा अच्छा पार्ट है, अच्छा पार्ट तो हर एक होता है। देखो, सर्कल का कोई भी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो, उसे क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, आर्क में समझा कैसे सकता हूँ, आर्क मतलब सर्कल का कोई भी एक पार्ट ले लो, सर्कल का कोई भी एक पार्ट लिया मैंने, ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा बट फिर भी मैं दिखा दूं, उसको छोटा सा एक पार्ट ले लो सर्कल का, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे छोटा सा एक पार्ट ले लो, उसे क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ सर्कल बोलते हैं। जैसे इस सर्कल पे छोटा सा पार्ट है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पे एक छोटा सा पार्ट ले लो, उसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं पूरे पार्ट को, और जो छोटा सा पार्ट होगा उसी को आर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे सर्कमफ्रेंस दिया होल सर्कल, होल आर्क, पूरा का पूरा जो सर्कल है वो भी एक आर्क है, आर्क इसी को ऐसे तो बोलते हैं। और एक फन फैक्ट, आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का छोटा सा पार्ट को ही आर्क बोलते हैं। एंड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा, आधे आर्क को ले लो तो वो हो जाएगा सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का आधा आर्क ले लो, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, सेमी सर्कल बोल देंगे। एंड मेजर एंड माइनर आर्क क्या हुआ, आपने ये छोटा सा आर्क लिया, अब उसका जो बचा हुआ पूरा आर्क है वो क्या हो जाएगा, मेजर, और जो छोटा सा आर्क है वो हो जाएगा माइनर। फोटो ही देख के ये चीजें तो क्लियर हो रही होंगी, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो चीजें काम की है वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये चीजें क्या है, अब कोई आर्क है सर्कल का, ये आर्क है, ठीक है, अब इस आर्क को सेंटर से मिला दिया जाए, आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट को और आर्क के एंड पॉइंट को, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, और इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, और इसी को बोलते हैं आर्क का डिग्री मेजरमेंट। अगर कोई पूछे आर्क का डिग्री मेजरमेंट बताओ, तो आप क्या कहोगे, इस वाले एंगल को बता दोगे, ये एंगल जितना होगा वही होगा डिग्री मेजरमेंट। अभी कुछ नहीं पूछना है कि एंगल कैसे निकलेगा, जब आएगा तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, बट यही जो एंगल होता है आर्क के, आर्क से जो सेंटर पे एंगल बने आर्क के थ्रू, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री मेजरमेंट ऑफ दैट आर्क, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू है तो आर्क पी क्यू। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सेक्टर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, दो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अब देखिए, पेन वेन रख करके हम लोग एक समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। आपने पिज्जा सबने खाया होगा, ठीक है, आप सबने पिज्जा खाया होगा, पिज्जा को देखो आप कट कैसे करते हो, कट कैसे करते हो उसको, ऐसे यहाँ बोर्ड में देखिए, और पिज्जा का आपको एनिमेशन भी दिख रहा होगा आई हो, तो ऐसे आप कट करके क्या स्लाइसिस निकालते हो पिज्जा की। और कभी रोटी खाई है, कोई रोटी मांग बोलता है कि एक रोटी दे दो मुझे, तो आप आधी रोटी दे दो, आधी कैसे करते हो, स्लाइस थोड़ी बनाते हो इस तरह, अब अगर तो रोटी को ऐसे बीच से तोड़ देते हो, आधी रोटी दे देते हो, ठीक है। जब आप इस तरह से स्लाइसेस करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर, और जब इस तरह से आप रोटी को काट दोगे बीच में से, तो उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। समझ में आ रहा होगा, आर्क को आप मिला दो, अब आप पढ़ते हैं वो भाषा में जो मैथमेटिकल भाषा है डेफिनेशन में, ठीक है, पार्ट ऑफ ए प्लेन रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल बिल्डिंग ए रेडियस कॉल्ड सर्कल। देखिए ये जो छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट, ये आपने क्या किया, आर्क को मिला दिया रेडियस से, आर्क को मिला दिया सेंटर से, तो ये जो रेडियस बन गया, इस रेडियस के बीच में जो पार्ट होगा वही क्या होगा, सेक्टर ऑफ दैट सर्कल। जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये छोटा सा पार्ट बना, ठीक है, पिज्जा में से एक स्लाइस निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा आपका माइनर वाला पार्ट, और जो पूरा पिज्जा बचा है वो मेजर तो होगा, मेजर मतलब बड़ा होता है और माइनर मतलब छोटा होता है, तो छोटा सा जो पार्ट निकाल दिया वो हो गया माइनर, और जो बड़ा पार्ट बचा वो हो गया मेजर। अब ऐसे ही सेगमेंट में देखते हैं, सेगमेंट में क्या होता है, आप बस खाली कोई कॉर्ड बनाओ, कॉर्ड के थ्रू सर्कल को कट करो, दो पार्ट्स में डिवाइड करो, यहाँ यहाँ किसके थ्रू करना है, आर्क के थ्रू करना है, और यहाँ कॉर्ड के थ्रू, कॉर्ड बनाओ, एक कॉर्ड के थ्रू डिवाइड कर दो, जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो मेजर हो जाएगा अगेन, और जो छोटा वाला होगा वो माइनर हो जाएगा। जैसे रोटी तोड़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं ना, हर बार आधी तो नहीं मिलती है ना आपको परफेक्ट, तोड़ो उसको तो क्या हो जाएगा, वो दो बराबर पार्ट्स में, बराबर या छोटा बड़ा पार्ट में होगा, अगर छोटे बड़े में होगा, अब बराबर हो तो सेमी सर्कल बन जाएंगे, दो सेमी सर्कल पता है ना आधा सर्कल, और बराबर नहीं होगा तो एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, ठीक है। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीजें। अब देखिए तीन टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या है, एक कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल बनाए जाए अलग अलग रेडियाई के,
ठीक है, बचपन में आप लोगों ने बहुत खेला होगा। अगर आपके पास कंपास मिलता था तो एक सर्कल बनाया, उसके ऊपर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, थोड़ा थोड़ा रेडियस बनाते रहो, सर्कल बनता रहे, जैसे फिगर में दिया। मतलब सेंटर सारे सर्कल्स का सेम ही है, बट सर्कल बनते गए हैं बड़े छोटे, रेडियस अलग अलग है, सेंटर सेम है। और एक होता है इक्वल सर्कल। इक्वल सर्कल क्या होता है, दो दो सर्कल जिनके रेडियस सेम है वो दोनों सर्कल इक्वल होंगे। इक्वल या कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब तो आपको पता ही है, ट्राइंगल भी पढ़ ही रहे हो और ट्राइंगल भी मैं आगे पढ़ाऊंगा और अच्छे समझ में आएंगे। अब क्या है सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक तो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कोई भी पॉलीगन अगर आप सर्कल के अंदर बना दोगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल साइन। और अगर आप देखो, अगर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो सर्कल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या आने वाला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी आपने ये चीजें पढ़ रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें पढ़ रखी है, एक बार हम लोग रिकैप देख लेते हैं। और वीडियो बहुत ही लाइट है आज का वीडियो, इस चीज को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, और उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करिए ही करिए। आपको सारे नोट्स शुरू से लास्ट तक मिल रहे हैं, ISSC में सारे चैप्टर कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। टेलीग्राम पे जाइए, डाउट कोई हो तो डाउट भी पूछ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा कोशिश जल्दी करने वाला हूँ कि टेलीग्राम पे लाइव भी आऊँ, लाइव में आप लोगों से बातचीत करूं, तो आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिए। और तब तक आप लोग देखते हैं रिकैप में हमने क्या क्या पढ़ा। पढ़ा क्या, इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या होता है, अगर रेडियस से छोटी डिस्टेंस हुई तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर। रेडियस से बड़ी हुई तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। और रेडियस के बराबर हुई तो क्या हो जाएगा, ऑन द सर्कल। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कॉर्ड, ऑन द सर्कल दो पॉइंट ले लो, उन दोनों को मिला दो, जो लाइन मिलाएगी वही क्या होगी, कॉर्ड होगी। उसके बाद ये पढ़ा था आपने, ये क्या था आपका, दो पॉइंट, दो जो कॉर्ड है उसको चीरते हुए चली जाए कॉर्ड सर्कल को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ऊपर एक पतली सी लाइन खींच दो, वही टेंजेंट हो गए। ठीक है, और टचिंग सर्कल, दो सर्कल एक दूसरे को जहां टच कर रहे हो वही टचिंग सर्कल हो जाएगा। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट बोलते हैं, या फिर आप बोलते हो उसको, हाँ कॉमन पॉइंट ही बोल लो। फिर आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट ले लो या बड़ा सा पार्ट ले लो, आर्क होता है कोई भी पार्ट। ठीक है, सेमी सर्कल आपको पता ही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। एंड देन एंगल सस्पेंडेड बाय आर्क, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो आर्क से जो एंगल बने उसे एंगल सस्पेंडेड बाय आर्क बोलते हैं। एंड सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर आपको पता ही है, जब पिज्जा जिस तरह काटते हैं, इस तरह याद रखना, पिज्जा जिस तरह काटते हैं वो सेक्टर होता है, रोटी जिस तरह तोड़ते हैं वो सेगमेंट होता है। ठीक है, अब सेगमेंट एंड सेक्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा, उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रिक, इक्विलेंट और सर्कमफ्रेंस। बस आपका इतना ही था आज के सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में अपना सजेशन कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड नॉलेज कभी भी अकेली नहीं रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने स्कूल ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।